नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल चाय गुरु में। तो मैं जेपी शर्मा आप लोगों के सामने फिर आ चुका हूँ। एक टेस्ट करेंगे हम लोग, एक चाय की टेस्टिंग सेशन में आप लोग हैं। तो टी टेस्टिंग सेशन में जैसे सेल नंबर 13 का मैं टेस्ट करने वाला हूँ। ये सिलीगुड़ी टी ऑक्शन कमेटी की तरफ से सैंपल आई हुई है और सिलीगुड़ी टी ऑक्शन में जो भी सेल ऑर्गेनाइज होने वाली है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अभी जो नया अपडेट आया है, नए अपडेट में क्या है, जो ऑक्शन के सिस्टम्स है ये भारत ऑक्शन हो गया है। भारत ऑक्शन एक नाम दिया गया है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आए हैं। पहले के जैसा आप ऑक्शन का मजा नहीं ले सकते, इसमें कुछ चेंजेस होने से कुछ लोगों का तो बहुत मजा है, कुछ लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। तो ये जो चेंज की जाती है एक किसी फायदे के लिए की जाती है, किसी अपग्रेड करने के लिए की जाती है। इसमें बायर और सेलर के दोनों के हितों का ध्यान में रख के की जाती है। तो ऐसा है, अभी क्या हो गया है, इसमें एक बेस प्राइस का सिस्टम आ गया है। जैसे कि मैं यहाँ पे सिर्फ OF का ही मैं कुछ सैंपल लिया हूँ, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरे एक दर्जन मैंने एक OF का सैंपल सारा लिया टेस्ट करने के लिए। और इसमें कुछ एग्जांपल मैं दिखा दूं, जैसे कि ये हो गया आपका ब्रोकर्स के कैटलॉग नंबर है, जैसे TCT सैंपल उसका 33 नंबर सीरियल हो गया, तो उनके लॉट नंबर है, उस कैटलॉग में जो नंबर दिए गए हैं सीरियल नंबर उसी को लॉट नंबर बोलते हैं। ये किसी बगान का, किसी गार्डन का लॉट नंबर नहीं, इनका लॉट नंबर नहीं, इनका लॉट नंबर इनवाइस नंबर अलग होगा, ये उनके सीरियल नंबर हैं, ये समझना जरूरी है। तो TCT सैंपल 33 का 20 गार्डन नेम हो गया, 20 ग्रेड हो गया OF, इनके 15 बैग 38 केजी करके पैक है। और इनका बेस प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है, यही अपडेट है, बेस प्राइस मतलब 320 रुपया मिनिमम प्राइस इसको फिक्स की गई है, इसके नीचे आप परचेज नहीं कर सकते, इसके ऊपर ही जाना है। तो जो कई बायर का जब होड़ लगेगा, दौड़ लगेगा, तो भाई 320 से स्टार्ट करेंगे और ये बढ़ते बढ़ते पता नहीं 400 तक जाएगा, कहां तक जाएगा। तो ये बेस प्राइस दी गई है। पहले जो बगान वाले थे वो उनका सिस्टम थोड़ा डिफरेंट था, वो अनसर्टन रहता था, वो ब्रोकर को बोलता था भाई इस रेट से नीचे हमारा सेल नहीं करना है। तो अभी बेस प्राइस देने से वहां पे सब झंझट खत्म हो गया है, बेस प्राइस से ही आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो आप इस चार्ट से समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या सिस्टम है। अब मेज पड़ा OF, इसका बेस प्राइस 245। अब देखिए, इसमें बहुत सारे गार्डन है अलग अलग, अब 360 रुपये के रेंज में दो गार्डन है। अब देखिए रायडक और बीच, रायडक बीच हालांकि उतना अच्छी गार्डन नहीं आती है, लेकिन अभी चाय अच्छी बना रही है, रायडक तो अच्छा ही है। तो रायडक और बीच देखिए 360 से बेस्ट प्राइस है, तो 400 प्लस होना तो आम बात है इसका रेट। उस ढंग से अब इनका देखिए, एक गैर काटा भी 10 बैग का है, 365 रुपया इसका बेस प्राइस है। तो भाई बढ़िया चाय है, इनका बेस प्राइस तो अच्छा होना ही है, और ये फर्स्ट क्लास की अच्छी क्वालिटी की चाय है, तो अच्छी क्वालिटी की चाय में अगर अच्छा रेट नहीं देंगे तो कहाँ से होगा। और देखिए 5 बैग 10 बैग कितने छोटे लॉट हैं, तो 5-10 बैग किसी के लिए आसान होता है खरीदना, और ये स्पेशल चाय होती है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ही सेल होती है, और आप भी जो है अपने जो भी बायर्स है उनको 2 किलो 5 किलो 10 किलो पकड़ा के खत्म कर सकते हो। इसकी अलग ही टेस्ट, अलग ही मजा है। ये बिजनेस में एक गर्म मसाला का काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि इससे जो कि आपको बिजनेस करना है, बस एक वैरायटी है आपके पास, है ना। अब देखिए यहाँ पे 400 बेस प्राइस दिया गया गुलमा सबसे हाईएस्ट में है, 9 बैग का लॉट है। हम गुलमा का बगान में गए भी थे हम लोग लास्ट टाइम, जो टी ऑक्शन कमेटी जो है, सिलीगुड़ी टी ऑक्शन कमेटी का एक एनुअल मीट हुआ था, तो वहां पे आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, वहां पे क्या मजा हुआ था, बायर सेलर ब्रोकर सभी मिलके काफी खेल कूद किए थे, हंसी मजाक, खाना पीना सब कुछ मौज मस्ती था, तो ये होते रहता है। तो इस ढंग से ये सारे जो है, वासाबाड़ी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वासाबाड़ी का 2 ब्रांड है, एक तारा है, तो तारा नीचे वाला लेवल का है, वासाबाड़ी मेन हो गया। अब ये 370, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये गोल्ड डायमंड ये सब लिखने का आदत नहीं है लोगों का, एक दो है कुसुम गोल्ड, मैसूरी गोल्ड, अब इनकी अलग बात है, इनकी भी कोई बहुत बड़ा गार्डन में नहीं आते हैं लोग, लेकिन ये जितने भी अच्छे गार्डन है, जो पुराने गार्डन है ब्रिटिश टाइम से चला रहा है, तो इनमें कोई क्या है, गोल्ड डायमंड सिल्वर
ये एक्सक्लूसिव ये सब लिखने की आदत इनकी नहीं होती है। तो आइए टेस्टिंग टेबल पे आते हैं। मैं टेस्टिंग ऑलरेडी लगा चुका हूँ, पहले एक एक करके देखेंगे इसकी क्या अपीयरेंस है, अपीयरेंस के बाद से फिर हम बात करेंगे इसके अदर्स फीचर के बारे में कि इसका लीकर क्या है नहीं है। थोड़ा सा लाइट में जला देता हूँ जिससे कि अपीयरेंस समझ में आए। तो ये बीच टी स्टेट देखिए ओएफ काफी क्लीन है, अच्छा है। बीच का प्राइस आप देख सकते हैं, हल्की फुल्की इम्पोर्टेड फाइबर कहीं कहीं आ रही है, फ्लोटिंग फाइबर देखिए कि चाय का करेक्टर अच्छा दिख रहा है। तो बीच आप देख पाएंगे 320 रुपये इसके बेस प्राइस दे रखे हैं। और ये मेज पड़ा का चाय क्लीन है, बट इनके लीकर में इन्फ्यूजन में फर्क होगा। अब यहाँ देखिए दोनों में फर्क क्या है, ये बीच का कितना ब्राइटर है और ये है। भाई यही फर्क है जो रेट के फर्क ला दिया 320-245। ये सब सेशन इसलिए लाता हूँ कि आप लोग सीख पाए। तो ये इन्फ्यूजन के फर्क से ही रेट में फर्क आ गया, इनके बेस प्राइस में फर्क आ गया। अब मोतीधर की बात करते हैं। अब मोतीधर के जो है देखिए क्या नीट एंड क्लीन एकदम बीच के जैसा चाय है, बहुत बढ़िया चाय है, ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास चाय है। और साथ में इनके जो चाय है कुसुम गोल्ड, मैंने रैंडम लगाया सैंपल, मुझे पता नहीं था कि देखिए कुसुम तो खत्म है, कुसुम तो मतलब इसका तो होना ही नहीं चाहिए भाई, इसमें गड़बड़ है। देखिए अब मोतीधर कहाँ पे 310 रुपया और कुसुम गोल्ड 345। भैया इसको तो मैं बोलूंगा दो मार्कर पेन, भैया ये बोलूंगा ये वैल्यूएशन टोटली गलत है। भैया यहाँ पे 220 होना चाहिए वैल्यूएशन। ये जो डिफरेंसेस है, ये ऑक्शन वाले ने जो भी वैल्यूएशन किए हैं, इनके जो सीआर जो है 52 में जो भी है, ये जो भी वैल्यूएशन किए हैं गलत किए हैं। भाई इन्फ्यूजन देखिए, या तो सैंपल में गड़बड़ हुआ होगा, इन्फ्यूजन देखिए कुसुम का ऐसा खराब इन्फ्यूजन और इसका इतना फर्क नहीं हो सकता है चाय में, इतना फर्क मतलब ये तो चाय रिजेक्ट करना चाहिए ऑक्शन से जो भी है। अब हम बात करेंगे मैसूरी गोल्ड का। मैसूरी गोल्ड अच्छी चाय बनाती है, ये चाय भी बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, इसका अपीयरेंस में कोई कमी नजर नहीं आ रही है मुझे, ब्लैक है। और इन्फ्यूजन उतना खास नहीं है इसमें, इन्फ्यूजन में जो खास नहीं है। अब मैसूरी गोल्ड का जो है 250, चलो ये मानता हूँ, लेकिन मैसूरी गोल्ड से भी गया हुआ चाय कौन सा है, कुसुम गोल्ड इन्फ्यूजन, तो ये मैं 220 लिखा हूँ, सही लिखा हूँ। तो ये कभी भी ये मत सोचिएगा कि जो वैल्यूएशन है उस पर आपको चाय ले लेना है आंख बंद करके, भैया इंसान और भी है, गलती उनसे भी होती है। आपको खुद टेस्ट करना होगा, ये पता करना होगा कि वैल्यूएशन करेक्ट है कि नहीं है, उस बेस प्राइस में लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर मैं चेक नहीं करता तो आज ये कुसुम का चाय लेता और मैं फंस जाता, तो ऐसा नहीं करना है, आपको टेस्टिंग करके लेना है, कोई भी चाय टेस्ट करेंगे। अब देखिए राइडेक का इन्फ्यूजन देखिए, बीच का इन्फ्यूजन, ये दोनों भाई टक्कर में है, दोनों एक दूसरे को मात दे रहे हैं, तो इस चाय की वैल्यूएशन आसपास में होनी चाहिए, ठीक है। राइडेक की चाय बहुत बढ़िया है, साफ सफाई है इसमें और ब्लूम लेवल भी अच्छी दिख रही है मुझे। और ये बीच का देखते हैं, बीच का भी अच्छी चाय है। तो ये सारे वही अपने लिया। अब राइडेक और बीच देखिए, दोनों भाई भाई बताया ना, दोनों टक्कर में है, तो 360 360, भाई इनकी वैल्यूएशन, इनकी जो बेस प्राइस है बिल्कुल परफेक्ट है, ये टेस्टिंग में कोई कमी नहीं है इसमें, बढ़िया है। अब देखिए बिना गोड़ी गैर काटा, बिना गोड़ी भी बढ़िया है, राइडेक्स और बीच से टक्कर देने वाले जो है ये बिना गोड़ी की चाय है, तो बिना गोड़ी बहुत बढ़िया चाय है। तो बिना गोड़ी का भी इसका वैल्यूएशन देखते हैं, नीट एंड क्लीन चाय है। बिना गोड़ी क्या दिखा रहा है भाई, बिना गोड़ी 330 रुपया, भाई साहब यही फायदा का बात है। आप राइडेक बीच को छोड़ के 330 में अगर बिना गोड़ी लेते हैं ज्यादा फायदे में रहेंगे, इनकी बेस्ट प्राइस है। देखिए बात बेस प्राइस का नहीं है, बात बेस प्राइस से हो सकता है इनसे बहुत आगे बढ़ जाए, अगर कंपटीशन इसमें ज्यादा आ जाए तो। ये बेस प्राइस है, किसी बगान का बेस प्राइस कम रखना इसका ये मतलब नहीं होता है उसकी सेल रेट भी कम होगी, लेकिन बाहर देखते हैं भाई बेस प्राइस है तो थोड़ा सा स्लो बढ़ते हैं इसमें कम रहने से। अब इसका हाई लेवल का है तो बढ़ेंगे नहीं, या तो ऑक्शन से आउट या तो 2-3 रुपया ऊंचा करके बिक गया तो बिक गया, लेकिन इसमें अगर कंपटीशन ज्यादा रहेगा
तो भाई बायर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ा रहे हैं, इनमें रेट बढ़ सकती है। तो भाई इन सब गार्डन का मैं फाइनल एक रेट देने वाला हूँ, किस रेट में सेल हुआ है इसका आप लोग सुंदर से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस पे हम एक वीडियो बनाएंगे कि ये वैल्यूएशन था, ये बेस्ट प्राइस था, आने वाले टाइम पे जब सेल नंबर 13 का 29 तारीख का सेल है, 29 को सेल होने के बाद से शायद 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को मैं इस पे एक वीडियो लाऊंगा जिससे आपको समझ आए कि क्या है। तो देखिए एजुकेशन का पार्ट है, एजुकेशन का पार्ट में एक सीक्वेंस बना रहेगा, इस सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करना है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे बात हुई थी हमारा बीना गुड़ी का, तो बीना गुड़ी जो है इन्फ्यूजन में इन सबसे बढ़िया है। देखिए ये रायडेक और बीना गुड़ी प्लस है, भाई पता नहीं क्यों ये बेस्ट प्राइस कम दिए, बीच से भी बढ़िया है ये बीना गुड़ी। अब गैर कटा ये डाउन चाय है भाई, गैर कटा में गड़बड़ है, अभी ओएफ इनका ग्रेड है, हालांकि सारा मैं ओएफ लिया कि एक बराबर का कांटे का टक्कर है सब में। तो ये थोड़ी सी चाय मुझे थोड़ी सी फाइबर नजर आ रही है हल्की फुल्की। तो देखिए गैर कटा 365 भाई, ये अपने मतलब क्या बोलते हैं, ये बेस प्राइस थोड़ा सा ना ज्यादा ही कुछ सोच रहे हैं भैया, औकात में रख के काम करने से ज्यादा अच्छा होता है, औकात से बाहर जाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो जो भी है गैर कटा का जो बेस प्राइस है थोड़ा सा हायर साइड में है, जबकि बीना गुड़ी से डाउन चाय है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब बेस प्राइस पता नहीं क्यों बढ़ा दिए भाई ये, जबकि इनका इन्फ्यूजन काफी ब्राइटर है, अच्छा है। अब लिकर भी देखेंगे, लिकर पे भी आएंगे, थोड़ा सब्र करिए आप लोग। फुलवाड़ी हाई ग्रोन, देखिए ये हाई ग्रोन नाम लिखा हुआ है बट हाई ग्रोन है नहीं, बट चाय अच्छा बनाता है। हाई ग्रोन के ऊपर मैं वीडियो बनाया था, आप हाई ग्रोन वाला वीडियो को देखिएगा आप लोगों को समझ में आएगा। बट चाय नीट एंड क्लीन है, अच्छा है, किसी तरीके का कोई कमी नजर नहीं आ रही है इसमें। इनकी इन्फ्यूजन भी जो है अगर बात करें बीना गुड़ी से डाउन जा रही है, बीना गुड़ी का ज्यादा ब्राइटर टोन है, बट हाई ग्रोन इज गुड, खराब नहीं है। गुलमा भैया 400 का रेट में मामूली बात नहीं है गुलमा, इनकी चाय की सबसे बड़ी खासियत है, देखिए चाय तो एकदम नीट एंड क्लीन है, बढ़िया है, विल विदर लेके चाय बनाया गया है। इनकी चाय में एक खास बात यह है, इनकी चाय के फ्लेवर बहुत जबरदस्त होती है, इनकी चाय के मैं दीवाना हूँ। इस चाय में जो खुशबू आती है, जो फ्लेवर आती है, जो टेस्ट आती है भाई तेराई रीजन में कहीं पर नहीं मिलती है, डुआर्स में भी नहीं मिलती है। तो गुलमा की ये सबसे खास बात है उसकी स्वाद के लिए, उसकी खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए। और आगे आते हैं वासाबाड़ी, देखिए वासाबाड़ी भी चाय बहुत बढ़िया है, वासाबाड़ी के ऊपर मैं ब्लॉग बनाया था, मैं बगान जा नहीं पाया लेकिन मेरा ब्लॉग में देखेंगे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वासाबाड़ी का भी बहुत बढ़िया लोकेशन है बगान की, और चाय भी बहुत अच्छी बनाई है। अब सिंपल सा बात है, इसमें आप दूध डालेंगे, अब देखें वासाबाड़ी 370, तो ये कुछ वैल्यूएशन, इसको देखिए पहले क्या बोलते थे वैल्यूएशन बोलते थे, लेकिन अभी हो गया बेस प्राइस। तो भाई आदत तो मेरा वैल्यूएशन बोलने का है, तो जो भी है ये जो बेस प्राइस को लेके चलना है, इस बेस प्राइस से 1 रुपया नीचे भी आप कोट नहीं कर सकते, मतलब बिट नहीं कर सकते, इसके ऊपर ही बिकना है, या तो चाय ऑक्शन से आउट या बिकेगी तो इससे प्लस ही बिकेगी, इससे डाउन नहीं बिकेगी, ये समझ में आना चाहिए। तो अभी दूध डालते हैं, देखते हैं इनकी लीकर का कलर कैसा उभर के आ रहा है। इंडोर में थोड़ी सी लीकर करेक्टर को डिटेक्ट करना ये मेरे लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए क्या आप लोगों के लिए डिफिकल्ट है, एक्चुअली मैं आउटडोर में ही करता हूँ या ओपन जगह पे करता हूँ। तो ओपन जगह पे तो आप लोगों के लिए मैं शूट नहीं कर पाऊंगा जिससे कि ये सारी इंफॉर्मेशन दे पाऊँ, इसलिए दिक्कत होती है, देखता हूँ इसकी व्यवस्था कुछ करेंगे हम लोग। तो मैंने दूध ऐड कर दिया, अब यहाँ से हम इसको भाई साहब बीच जो चाय है ऐसे ही नहीं है, बीच का तो अच्छा ही लिकर आ रही, कड़क लिकर आ रही है इसकी, काफी बॉडी दिख रही है, कलरफुल लिकर है। कौन बोलता है भाई फर्स्ट क्लास की चाय गड़बड़ होती है, सब बेकार की बकवास बातें हैं। मोतीधार कितना बढ़िया लिकर इसमें खुल गया है, कितना बढ़िया लिकर आया है, देखिए मोतीधार का लिकर कितना बढ़िया जबरदस्त आया है। महेश्वरी गोल्ड, ठीक है ये लीकर, ये कुसुम गोल्ड को तो भाई ये तो गड़बड़ है, इसमें तो हम इसको ऐसे मार्किंग कर देते हैं, इसमें इन्फ्यूजन में लोग बहुत बड़ा कांड कर रखे हैं। ये देखिए रायडक, ओ माय गॉड,
क्या जबरदस्त चाय है। अब आप तो टेस्ट कर नहीं पाएंगे, टेस्ट मुझे ही करना होगा। ये बीज, बीज का दो सैंपल है मेरे पास, दोनों टक्कर की चाय है। वाह, बीना गुड़ी वही एक से एक चाय है, एक से एक चाय है। गैरकाटा, गैरकाटा का भी कलर देखें कितना बढ़िया आ रहा है, फर्स्ट क्लास आ रहा है। फुलवाड़ी हाई ग्रोन, वाह। एक गुलमा, ऐसा गुलमा का तो बढ़िया से टेस्ट करूंगा मैं, इसकी खुशबू तो अलग ही होती है। ये वासाबाड़ी, तो यहाँ पे कुछ एक चाय को छोड़ दिया जाए, कुछ एक चाय को छोड़ करके मैक्सिमम चाय यहाँ पे एक से एक बढ़ के है, एक से एक बढ़ के है। तो ये 20-22 पे आप फोकस ना करते हुए आप मिनिमम 20 प्राइस वाली सैंपल्स को लिए टेस्ट करें और समझें उनमें बेटर कौन हो सकता है। इस तरीके से परचेजिंग करना ज्यादा फ्रूटफुल होगा, ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब टेस्ट करते हैं बीज की चाय से पहले। अब बीज की चाय, बीज का चाय अगर मैं बात करूं भाई, इसको जो है मैं कम से कम 8 out of 10 दूंगा, बहुत बढ़िया है। 10 में से 8 नंबर दूंगा। इसमें बिटरनेस है, 10 में से 6 मिल जाएगा इनको। मातीदार भी बढ़िया चाय है, ये थोड़ा सा हल्का सा बिटरनेस साइड में आ रही है, बट स्ट्रेंथ अच्छी है, बाकी सब बॉडी वॉडी का कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी मुझे बिटर टेस्ट आ रही है, इसका रीजन कई हो सकते हैं, बाकी ब्रिक्सनेस ब्राइटनेस ये सब सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हल्की सी बिटरनेस आ रही है इसलिए कम दिया। और ये तो हम आउट ऑफ मार्क करना ही ठीक रहेगा। वही ये 5 मिलेगा, ये टोटली फायर्ड है, ये ओवर फायर, टच ऑफ फायर, ठीक है, या फायर टच है ये चाय, पता नहीं कहीं मिस्टेक भी हो सकता है किसी का। अब मैसूरी गोल्ड, मैसूरी गोल्ड ये भी सही नहीं है, 6 दूंगा मैं, 10 में से 6 दूंगा, 60% फिर भी मिल गया। राइडेक, राइडेक भी जो है ज्यादा नहीं जाएगा, 7 जाएगा, 7। और राइडेक के बाद से बीच देखते हैं फिर। बीच का सेम पोजीशन है, 8 जाएगा। देखिए मार्किंग भी कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बीच की चाय अच्छी है अभी तक, बीच बहुत रिजनेबल रेट में अच्छी चाय मिल सकती है। बिना गुड़ी स्टील बेटर, ये 8 मिलेगा 10 में से। गैर कटा, गैर कटा भी थोड़ा डाउन है भाई, मतलब नहीं बनता है, 365 ज्यादा कुछ कर दिए हैं। फुलवाड़ी हाई ग्रोन, सिर्फ हाई ग्रोन लिखने से नहीं होता है, ग्रोन भी सही करना पड़ेगा। 7 में से 10 ठीक है, खराब नहीं है। गुलमा, भाई गुलमा में वो मजा अभी तक नहीं आया, वो फ्लेवर नहीं है, इसलिए सावधान। 8 में से 10 मैं 8 में से 10 दूंगा गुलमा को। ये बेस प्राइस काफी ज्यादा दे रखे हैं, इतना नहीं देना चाहिए था। उससे बढ़िया है वासाबाड़ी, वासाबाड़ी भी सेम। तो ये मेरा मार्किंग रहा है, जिसमें एक मैं गलती पकड़ा कुसुम गोल्ड को लेकर के, बाकी सब करेक्ट है, बढ़िया है। ये मेरा मार्किंग है, क्वालिटी मार्क है।
10 नंबर में से कितना नंबर में दिया, ये चीज को समझना जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। ज्यादा डीप में टेस्टिंग ब्लेंडिंग सीखना है, समझना है, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे ऑफिस में कॉल कीजिए और बोलिए चाहे उनसे बात करनी है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।